सरकारी डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली होनी चाहिए बंद। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अकेश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को सरकारी डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। ये बात मंडी के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने अनौपचारिक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में बुजुर्गों के बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे के निशान नहीं लग रहे, जिससे उन्हें 2-3 महीनों से राशन भी नहीं मिल पाया है। शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में काफी लोगों का रोजगार छिन गया है और ऊपर से महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। आप मीडिया बंधुओं के साथ यह भी जिक्र करना चाहता हूं आज कि आपको विदित है कि जब जब महंगाई का स्तर बढ़ा है तो हमेशा से जो है प्रदेश की सरकारों ने और केंद्र की सरकारों ने जो है लोगों को लाभान्वित किया है, चाहे वो सब्सिडी जारी करके चाहे किसी भी तरह से दूसरे तरीके से। लेकिन आज आप देख रहे हैं प्रदेश के हालात भी देख रहे हैं, देश के हालात भी देख रहे हैं। आपका जो कड़वा तेल है वो 185-90 रुपये जो है बॉटल मिल रही है। आपकी मसूर की दाल, चने की दाल, माह की दाल जो है उसमें हाइक है 15-15 रुपये प्राइसेस की। आज इस स्थिति में कोविड-19 के चलते जहां हमारा नौजवान घर में बैठ गया है, जहां हमारे जो वो लोग जो बाहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे वो घर में बैठ चुके हैं, इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है। दूसरी ओर से प्रकृति इतनी मेहरबान है कि जो फसलें हैं वो भी तबाह हो रही है और सरकार की तरफ से कोई भी सहायता जो है आम जनमानस को उपलब्ध नहीं की जा रही है। मीडियम क्लास का वर्ग और जो निचले वाला वर्ग है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको पहले भी विदित है कि पहले कांग्रेस की सरकार में भी इस प्रकार की स्थिति जब भी बनी तो माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने जो है 100 करोड़ की सब्सिडी जारी करके जो है लोगों को सस्ता राशन मुहैया कराया था ताकि कोई भी आम जनमानस जो है भूखा ना रह पाए। हमारा यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है अतिशीघ्र ये जो प्राइस में हाइक है उनको नियंत्रित किया जाए और प्रशासन से भी और DFSC से भी अनुरोध किया जाए कि जिन कई जिलों में ऊना में कांगड़ा में जो है प्राइस लिस्ट जारी की गई है वहाँ पे बताया गया है कि कौन चीज़ कितने में मिलेगी, उसी प्रकार की प्रणाली को अपना के जो है आम जनमानस को सुविधाएं प्रदान की जाए। मैं आपसे यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जो अंगूठे वाली प्रणाली थी वो पहले स्थगित की थी कोविड-19 के चलते, लेकिन अब दोबारा 3 महीनों से वो जारी की गई। आपको पता है कि पिछली 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितने का केसेस थे जो पॉजिटिव थे और आज जो है प्रतिदिन 200 और 300 के करीब प्रत्येक जिले में जो है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। डिपो पे जो है अंगूठा लगाया जा रहा है जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना है और कई जगह तो हमें ये भी शिकायतें आई गाँव के लेवल पे के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंगूठे नहीं लगते और 2-3 महीनों से उन्होंने राशन नहीं लिया हुआ है। ये सब एक जांच का विषय है, कंसर्न संबंधित विभाग चाहे वो DFSC है चाहे जिला प्रशासन है उनको इसकी जांच करनी चाहिए और उन लोगों को राशन मुहैया करा के लाभान्वित करना चाहिए और जो उनके कंसर्न डिपो है उनसे भी रिपोर्ट तलब करनी चाहिए कि कितने लोगों ने राशन प्राप्त किया कितने ने नहीं प्राप्त किया।